अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको वेलकम करते हैं स्टोरी ऑफ जेनी पे। आज हम बना रहे थे चिकन तवा रोस्ट, आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इधर मैंने थोड़ा सा चिकन जैनब के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया था। जैनब कभी चिकन शौक से खा लेती है, कभी नहीं, और ये चिकन भी मैंने वॉश कर लिया था और इधर से इसको कट लगा दिए थे। इस तरह कट लगाने से अंदर तक चिकन जूसी हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। चलें फिर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इधर हमने चिकन चूल्हे पे रख दिया था और इसमें हमने ऐड कर दिया था थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा विनीगर इसमें ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के करीब होंगी, तकरीबन तकरीबन इतनी ही होंगी। ये देखिए, अब इसमें हमने सिरका ऐड कर दिया। सिरका कोई भी ले सकते हैं, अंगूरी हो या सेब का हो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, इसमें सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा और सूखा कुटा हुआ धनिया था। ये सारी चीज़ें अब हमने चिकन में ऐड करके इसको थोड़ा सा सौते करना है, मतलब मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से। और इसके साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से चिकन में ज़्यादा अक्सर स्मेल आने लग जाती है ना, वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, अब चिकन को हमने थोड़ा सा भून लिया इसी तरह वो स्पाइसेस ऐड करने के बाद। अब इसमें हम बिल्कुल बीट किया हुआ दही ऐड कर देंगे। दही भी हमने अपने हिसाब से, मैंने 1/2 प्लेट आप लोगों के सामने थोड़ा सा ऐड किया है, ये काफ़ी होगा इतने से चिकन के लिए। और बाकी चिकन के हिसाब से आप स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं और दही भी उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने जितना ये डाला था चिकन, उसके लिए इतना ही दही काफ़ी था। फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है दही के साथ। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया था रोस्ट मसाला, अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो लाजमी भी नहीं है इसको ऐड करना। ये देखिए, चिकन काफ़ी हद तक पक गया है। दही के पानी में ही चिकन अच्छी तरह गल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद फिर मैंने, दोपहर का टाइम था तो मैंने ये सैलड कह लें वो बना लिया था। साथ में खीरे थे, मौसमी थे और अनार थे, और दोपहर के टाइम में मैंने ये खाए। अक्सर जब कभी कुछ खाने की क्रेविंग हो और हम लोग चाह रहे हो कि हमारा वेट भी ज़्यादा गेन ना हो, तो हम इस तरह फ्रूट्स को खा सकते हैं, बड़ी अच्छी सी प्लेट बना के बड़े मज़े के साथ। इस तरह फिर इससे हमारी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी काफ़ी हद तक। और इसके बाद मैंने चाय बनाई तो जैनब के बाबा समोसे ले आए, फिर वो हम लोगों ने खा लिए, साथ में बिस्किट भी खाए। और ये शाम की चाय का टाइम था। इस टाइम पे वैसे भी शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए हो तो चाय पीने का भी मज़ा आ जाता है। वेट बेशक जिधर से जिधर पहुंच जाए, लेकिन चस्के पूरे होते रहें। चलें जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने बनाए आलू के कटलेट्स, वो भी बहुत मज़े के बने थे। इसमें मैंने आलू बॉईल करके उनको मैश कर लिया था, उसके बाद ग्रीन चिली चॉपर करके डाल दी थी, अनियन डाल दिया था और थोड़ी सी गाजर थी वो भी मैंने चॉप करके वो इसमें ऐड कर दी थी। और इसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया और जो जो स्पाइसेस ऐड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। अगर चिकन ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैंने साथ में रोस्ट बनाया था तो इसलिए मैंने फिर ये सिर्फ आलू वाले बनाए थे कटलेट्स। देखिए इधर, फिर मैंने इसमें ज़ीरा, सुरख मिर्च और नमक ऐड कर दिया था, सूखा धनिया भी। और इसको फिर हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वो भी आगे आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। देखें इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी कलरफुल सी। इसमें गाजरें भी नज़र आ रही हैं, मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, प्याज भी नज़र आ रहे हैं, टमाटर नहीं मैंने इसमें ऐड किए थे। और इसके बाद ये देखिए, ये मैंने इनको फिर जल्दी से शेप दे ली थी, बड़ी गोल गोल सी प्यारी प्यारी सी लुक इनकी लग रही थी। ये देखिए, मैंने भी फिर बड़े अच्छे से कैमरा घुमा घुमा के दिखाया आप लोगों को, अच्छी तरह आप लोग देख लें। और इसके बाद फिर इनको अब हम फ्राई करते हैं। ये मैंने एक एग ले लिया था, उसमें बिल्कुल हल्का सा नमक ऐड कर दिया था
और इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह बीट करें ना, जब इस पे हल्की हल्की झाग सी आ जाए, फिर उसके साथ हम मतलब कटलेस को डिप करके वो फ्राई करें ना, बड़ी अच्छी लुक आती है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बस इधर हमने ये देखिए ये, फिर इसको इस तरह ऊपर इसके झाग आ जाए ना, बहुत ज़्यादा बीट करने के बाद इसकी इस तरह की शक्ल आ जाए, फिर हमने इनको डिप करके फिर फ्राई करना है, तो बड़ी मज़े की बनती है। वैसे ही बड़ी टेस्टी बनी थी। और भी अगर आपके पास वेजिटेबल हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी हो, शिमला मिर्च हो, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करके बना सकते हैं, वो भी बड़ी मज़े की बनती हैं। और ये देखिए फिर इधर मैं इनको फ्राई कर रही थी। यहाँ पे फिर रात के खाने का टाइम हो रहा था, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी साथ में वीडियो भी बना लें और साथ में इनको जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। और आगे फिर मैं आपको रोस्ट भी फ्राई करके दिखाऊंगी, तवा रोस्ट मैंने किस तरह बनाया और कितने मज़े का बना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत मज़े की। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को बना के भी दे सकते हैं लंच में, या वैसे जैसे बच्चे बड़े खाने में चूजी होते हैं उनके लिए भी ये ठीक है। अगर कोई गेस्ट आ रहे हो तब भी हम बना सकते हैं और अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह से बन रही थी। अब वैसे मौसम भी काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, लेकिन जिस तरह पहले मौसम चेंज होता है उतनी सर्दी अभी नहीं आई। अभी भी पंखे वगैरह चल रहे हैं, कोई रजाइयाँ कंबल नहीं निकले अभी। कभी कभी तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और कभी कभी वैसे ही गर्मी होती है, किचन में तो अच्छी खासी गर्मी लग रही होती है। तो साथ साथ में मैं फ्राइज़ भी बना रही थी, मैंने कहा चले ये भी साथ बना लेते हैं, थोड़ी सी जैनब खा लेगी। जैनब आजकल कुछ भी अच्छे से नहीं खा रही, उसकी तबीयत भी कुछ ऊपर नीचे रहती है, माशाल्लाह दांत निकाल रही है ना इस वजह से। तो ये देखिए जी, ये इनकी फाइनल लुक थी। और ये देखें इन पे कितना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा कलर आ गया। इसके बाद फिर जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसको गला लिया था अच्छे से, वो भी मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद फिर इसको हल्का सा तवे पे ऑयल डाल के ना हम इसको रख देंगे। अगर आप कवर करना चाहें कवर भी कर सकते हैं, कि अगर आपका चिकन अच्छे से ना गला हुआ हो, नहीं तो इस तरह इसको तवे पे बिल्कुल लाइट लाइट सा अच्छा सा टिक्का की तरह बिल्कुल इसको ब्राउन कर लेना है, बड़ी अच्छी लुक आती है। और अक्सर रोस्ट हम बहुत ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई करते हैं, वो बहुत हैवी हो जाता है। इस तरह से बनाए ना ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ये लाजमी ट्राई करिएगा। ये देखें बिल्कुल बारबेक्यू वाली लुक आ रही है इसकी, और ये देखने के अलावा खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। ये थी फाइनल लुक, साथ में मैंने दही भल्ले भी बनाए थे और साथ में फंटा, खाने का बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने खाने को। हैवी खाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी, मैंने कहा चाय खाने के बाद तो मस्त है। और आप बताया करें आपको जैनब की वीडियोस कैसी लगती हैं, और आप लोग वीडियोस में क्या क्या देखना चाहते हैं, जहाँ कहीं आपको वीडियो अच्छी ना लगे, कोई मिस्टेक हो वो भी बताया करें, और जैनब की वीडियो को वॉच किया करें, शेयर किया करें। और जिन्होंने अभी तक जैनब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। और ये देखें कैसे बहुत मज़े की चाय बनाई मैंने, बिल्कुल हला हला के होटलों जैसी चाय बनाई है मैंने। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, जैनब को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।